नाज मल्टी क्रिएशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मकरम धागे की मदद से टोकरी बनाएंगे। इसके लिए मैं दो कलर का मकरम धागा इस्तेमाल करूंगी। इसलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक बास्केट बनाने का, हमको गोल शेप की टोकरी बनाने का, इसके लिए नीचे का बेस पहले बनाएंगे। उसके लिए पहले हमको गोल सर्कल बनाकर स्टार्ट करना है। इस तरह यहाँ से जंजीर बनाकर शुरू करना है। पहले हम यहाँ पर पहले 8 चेन बनाएंगे। इस तरह 8 चेन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाए हैं। इसको यहाँ इस तरह ज्वाइंट कर देंगे। अब हम ऊपर हर चेन में से एक मरतबा बगैर अड़ी का खंबा करेंगे। सिंगल स्टिच क्रोशिया बनाएंगे। चेन में से अंदर नीचे डालकर ऊपर निकालेंगे। ये इस तरह हमारा एक सिंगल स्टिच क्रोशिया बन जाएगा। ये पूरा हमको 8 चेन में से करना है। ये हमारा टोकरी का बेस का स्टार्ट रहेगा। हमारी फर्स्ट वाली ये लास्ट वाली चेन है। अब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसके लिए एक सर चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा और इसमें इस तरह ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा सर्कल बन गया। ये टोकरी का हमारी गोल बास्केट का सर्कल बन गया, स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ से हर एक चेन में से एक में से बगैर अड़ी का दो खंबा बनाएंगे और एक में से एक बनाएंगे। हर एक में से इस तरह बगैर अड़ी का ही बनाना है। ये हमारा फर्स्ट है, इसमें हम 2 टाइम करेंगे। ये 1 ये 2 टाइम सिंगल स्टिच क्रोशिया। फिर सेकंड वाले चैन में फर्स्ट 1 टाइम से सिंगल स्टिच क्रोशिया इस तरह। अब 2 टाइम सिंगल स्टिच क्रोशिया। सेकंड उसके लास्ट वाले में 1 टाइम सिंगल स्टिच क्रोशिया। एक में से 2 मरतबा बनाने का है बगैर अड़ी का खंबा। एक में से एक ही मरतबा बनाना है बगैर अड़ी का खंबा। फिर एक में से 2 मरतबा बनाना है। ये चैन है, इसमें से 2 मरतबा आ गए। इस तरह ये 2 मरतबा, मकरम धागे का इस्तेमाल करने के लिए मोटा पॉइंट का क्रोशिया लेंगे, जिसकी वजह से ये धागा मोटा होता है तो वो बनाने में आसानी हो। हर लाइन में एक मरतबा डबल स्टिच क्रोशिया, फर्स्ट टाइम डबल स्टिच क्रोशिया, सेकंड टाइम सिंगल स्टिच क्रोशिया, सेकंड टाइम इस तरह। ये हमारा ये पूरा हुआ है, यहाँ ज्वाइंट करेंगे। फिर इसके ऊपर यहाँ पे हमको कोई स्टेप करना है। इसमें 2 टाइम सिंगल स्टिच क्रोशिया करना है। One, two. अब इसमें 1 टाइम
जो चैन बनाए थे, 8 सिंगल स्टिच क्रोशिया किया, फिर सेकंड लाइन में हर सिंगल स्टिच क्रोशिया में हर चैन में एक में से दो मरतबा, एक में से एक मरतबा किया। उसके बाद ये जो लाइन है हमको ये सर्कल पूरा करने के लिए 4 मरतबा इसको पूरा करना है। देखिए ये इस तरह मैंने अपने टोकरी का बेस बनाने के लिए 5 लाइन गोल सर्कल बनाया है। इस तरह देखिए आपको दिखाई देना पड़ा, ये 1, 2, 3, 4, 5 लाइन। अब मैं यहाँ से, ये हमारा सीधा साइड है, फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, इस तरह ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। अब हम यहाँ से इसमें ऊपर का टोकरी का ऊपर का शेप बनाएंगे। इसके लिए एक खंबा छोड़कर, एक सिंगल स्टिच छोड़कर दूसरे वाले में डालने का है और डबल स्टिच क्रोशिया करना है। बीच में हर बार एक मरतबा एक्स्ट्रा चेन लेना है, इस तरह। Thank you.
डबल स्टिच क्रोशिया एक खंबा छोड़कर ये उंगरा चैन ऊपर देखिए इस तरह हमारा गोल टोकरी का ऊपर का एक शेप बन गया है इस तरह। अब हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए हम दो चेन यहाँ बनाएंगे और इसको पिंक कलर का जो मकरम धागा है हमारा ऊपर निकालेंगे। डबल स्टिच क्रोशिया करना है। डबल स्टिच क्रोशिया के स्टेप्स पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसमें से देखकर सीख सकती हैं। इस तरह करना है।
स्टिच क्रोशिया करना है, क्रोशिये पे एक लाइन मकरंद धागे की, फिर इस तरह अंदर से क्रोशिया ऊपर, फिर धागा इस पर एक मरतबा और ये ऊपर की तरफ। एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, डबल स्टिच क्रोशिया, सेम एक के ऊपर एक इस तरह लाइन इस तरह बनते जाएगी। इसको पूरा यहाँ तक करना है। देखिए इस तरह ही हमारा, मैंने टू टाइम स्काई ब्लू कलर का बैकग्राउंड लिया है, लाइन बनाया उससे डबल स्टिच क्रोशिया करके, फिर सेकंड टाइम में टू टाइम डबल स्टिच क्रोशिया पिंक कलर का मकरंद लेकर के। अभी मैं ये लास्ट इधर लाइन चल रही मेरी, इसको ज्वाइन कर दूंगी। हर बार एक सिंगल चेन बनाना है, उसके बाद डबल स्टिच क्रोशिया करना है, साइड से निकाल कर डबल स्टिच क्रोशिया करना है, और बीच में एक गैप लेने के लिए एक चेन बनाना है इस तरह। ये हमारा पूरा हो गया, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। लास्ट में टू टाइम चेन बनाई है ताकि ज्वाइन करने में इजी रहे। अब इसमें मैं डिजाइन करने के लिए क्लास में स्काई
हर एक चैन में से एक मरतबा सिंगल स्टिच क्रोशिया या सिंगल चैन बनाते जाऊंगी ताकि मेरा एक फिनिशिंग लाइन बन जाए। स्टार्ट स्काई ब्लू कलर से किया था, अब फिनिश भी स्काई ब्लू कलर से करेंगे। इस तरह मैं हर चैन में से टोकरी बन जाएगी। लाइटर की